कितनी प्यारी है, जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा सुंदर। अरे सुवर्णा आ जाओ भाई, गीतांजलि आ गई। हाय भाभी। नमस्ते। मैं असीम की चाची हूँ। और मैं चाचा। अरे सुवर्णा, सुवर्णा। हाँ भाभी, अभी लाई, अभी लाई। मैं भी अभी आया। शास्त्री जी आने ही वाले होंगे, हालांकि इसका चेहरा देख के कहेंगे लाखों में एक है। आपका घर बहुत सुंदर है। अब जैसा है आपके सामने है, पुराने ढंग से सजा है, नए ढंग से सजाने वाली आनी चाहिए। वो चिंता तो मैं दूर कर दूंगी। दादी दादी चलो ना ऊपर, प्लीज चलो ना। नमस्ते करीने, इंट्रोडक्शन दे अपना। नमस्ते, माई नेम इज नीलम अस्थाना, आई एम 6 इयर्स ओल्ड, माई स्कूल नेम इज SVIS, आई स्टडी इन सेकेंड स्टैंडर्ड। अब हमें पता लग गया कि इस घर की रानी कौन है। दादी चलो ना ऊपर। चुप, हर वक्त जिद करती रहती है। प्लीज चलो ना। अच्छा ऊपर क्या है? ऊपर मेरे खिलौने हैं, मुझे ऊपर खेलना है। तुम मुझे अपने खिलौने दिखाओगी? हाँ। मेरे साथ खेलोगी? हाँ। आओ, दादी को यहीं रोक दे तो। अभी आते हैं। अपने जिद की पक्की है। बच्ची है, बच्चे तो जिद करेंगे ही। अब एक बार तुम आ जाओगी ना, तो इसके पीछे पीछे घूमने से मेरी फुर्सत हो जाएगी। अरे हार तो बड़ा खूबसूरत है तुम्हारा, कहाँ से खरीदा? जी ये तो हमारे शोरूम से है। ओ अरे हाँ, तुम्हारे पिताजी ज्वेलर है ना? जी। अपने पिताजी के शोरूम से सबसे अच्छा पीस चुना है तुमने। जी आपको पसंद है? बेहद। तो फिर रख लीजिए। अब तुम कहती हो तो। ना पहली बार आई हो, उसके कहने उतरवाओगी? अरे भाभी मैं तो मजाक कर रही थी। नीलम बेटे चलो बेटे दादी के पास, दूध पीने का टाइम हो गया है, जाके अपना दूध पीजिए। क्या कह रही थी आपसे? जी कुछ नहीं, बस बच्चों की बातें। नहीं इतना तो मैं भी समझ गया कि मेरे ही बारे में कुछ खुसर-बुसर हो रही थी। जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये किताबें आप पढ़ते हैं? जी आपको भी पढ़ना पसंद है? जी बहुत। कौन हैं आपके फेवरेट राइटर्स? जी प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, शिवानी और कवियों में हरिवंश राय बच्चन। लेकिन सबसे पसंदीदा लेखक हैं तपेश बंसल। ओ, तपेश बंसल का नया नॉवल है मेरे पास, मिलन, पढ़ा आपने? जी नहीं लेकिन पढ़ना जरूर चाहूंगी। तो ले जाइए, लेकिन वापस जरूर कर दीजिएगा। कम से कम किताबों को लेकर मैं बहुत पोसेसिव हूं। आंटी पूछा आपने? बेटे आप अभी तक यहीं हैं? चलिए जाइए नीचे, दूध पीजिए अपना। चलिए अब तो बता दीजिए क्या सीक्रेट शेयर कर रहे हैं आप दोनों आपस में? जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं अब तो मैं जान कर रहूंगा। नीलम कह रही थी कि आपने अपनी किसी किताब में अपनी पहली पत्नी की तस्वीर छुपा रखी है। ओ, तो इन किताबों में तस्वीर ढूंढ रही हैं आप उनकी? नहीं मैं तो नहीं मिलेगी आपको। क्या है उनकी सभी तस्वीरें माँ ने अपने पास छिपा दी? छिपा दी क्यों? माँ को लगता है कि मुझे उन्हें भुलाने की कोशिश करनी चाहिए, और उनको लगता है अगर मैं उनकी तस्वीरें अपने पास रखूंगा, उन्हें देखता रहूंगा तो भुलाने में मुश्किल होगी। भुलाने की कोशिश भी एक तरह से याद करना ही होता है। आप भुलाने की कोशिश मत कीजिए,
जब गीतू आपके जीवन में आएगी तो उन्हें खोने का दुख अपने आप कम हो जाएगा। शायद। और ये जरूरी तो नहीं है कि यादें सिर्फ दुख पहुंचाएं, यादों से खुशी भी तो समेटी जा सकती है। अच्छा ये बताइए, वो दिखती कैसी थी जी? अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह शर्मा रहे हैं, बताइए ना कैसी दिखती थी। आप जैसी मेरे जैसी जी, इसी तरह बाल बनाती थी, ऐसी बिंदी लगाती थी, हंसी भी बिल्कुल आप जैसी थी। नीचे आ जाओ असीम बेटा, शास्त्री जी आ गए। आओ बैठो बैठो। लीजिए शास्त्री जी, लड़की आपके सामने है, अब इत्मीनान से इसका चेहरा पढ़ के बताइए। अति शुभ, अति शुभ। बहन जी, असीम के लिए इससे अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती, ये कन्या बहुत ही भाग्यशाली है। इसके माथे पर साफ साफ लिखा है कि जिस घर में जाएगी उस घर को खुशियों से भर देगी। बहन जी, ये लड़की लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों में एक है। मैंने तो पहले ही कहा था। मुझे पूरा विश्वास है बहन जी कि जब ये असीम के जीवन में आएगी तो उसका घर सुख समृद्धि और धन संपत्ति से भर जाएगा। हेलो, मैं रामशरण अस्थाना बोल रहा हूँ। नमस्ते। ईश्वर जी है घर में? हाँ जी है, मैं अभी बुलाती हूँ, एक मिनट। पिताजी आपके लिए रामशरण जी का फोन है। नमस्कार अस्थाना जी। अजी नमस्कार छोड़िए और मुबारक हो कहिए अपने आप को भी और मुझे भी। ये असीम जी ने जी हाँ, असीम ने गीतांजलि को पसंद कर लिया है। भाई अब तो मिठाई खिलानी पड़ेगी आपको। हाँ जरूर जरूर। और हाँ आपके लिए एक मैसेज है कि गीतांजलि थोड़ा देर से आएगी। अब देखिए ना, अब रिश्ता हो ही गया तो इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ेंगे उसे। जी हाँ बिल्कुल, अब उस पर असीम जी का भी अधिकार है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, एक बार फिर बधाई हो आपको। हाँ जी, आपको भी रखता हूँ, धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार। अब मुस्कुराने की घड़ी आ गई है, असीम ने गीतांजलि को हाँ कर दिया है। सच? हाँ। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ कुछ मीठा बनाओ, खीर बनाओ खीर। पिताजी खीर तो मैं बना लूंगी, लेकिन मैं सोच रही थी कि सुनीता के घर जाऊं नोट्स बनाने के लिए, अगर आप हाँ कह दे तो। कितनी देर लगाओगे? कुछ 3-4 घंटे बस। 3-4 घंटे? ठीक है, इससे देर नहीं करना। ऑर्डर ले लीजिए प्लीज। क्या लेंगे आप? जी मैं क्लब सैंडविच ट्राई करूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें पूछने की क्या बात है। आप भी क्लब सैंडविच लोगे? नहीं नहीं भाई, हम तो शुद्ध भारतीय खाने में विश्वास रखते हैं,
इंडियन फूड है ना? हाँ है यहाँ पे। आप क्या खाएंगी? जी जो भी गीतू और आप पसंद करें। अरे हम लोगों को छोड़िए, आपकी क्या पसंद है? कुछ भी। अरे आपको कुछ तो पसंद होगा। चलो बेटी संध्या खाना खा लो। नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। तुझे भूख तो कभी लगती नहीं, खाना नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। चल तेरे पसंद की सब्जी बनाई है, भरवा भिंडी। लेकिन माँ अभी मुझे भूख नहीं है। अरे जब तक मैं हूँ पसंद का खाना खा ले, मैं नहीं रहूंगी तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुम जाओ ना माँ। कहाँ खो गई आप? जी भरवा भिंडी मिलेगी। भिंडी भरने में आपने बहुत टाइम लगाया, भरवी भिंडी है? ओह यस फाइनली यू मेड इट। यस चलो चलो जल्दी चलो। टारा डैम कूल, इजंट इट हॉट? कैसा लग रहा है? अच्छा ना? यहाँ तो सारे शोज हाउसफुल है। ओह शिट, इतनी मुश्किल से तो मौका मिला था, और अब क्या करें? करना क्या है, अब हम दोनों घर जाकर एक दूसरे का मुंह ताकेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोगों को टिकट्स चाहिए? हाँ। मेरे पास इवनिंग के दो स्पेयर टिकट्स हैं। मेरे फ्रेंड्स आने वाले थे लेकिन उनका फोन आया कि वो किसी काम में फंस गए हैं, तो इफ यू वांट इवनिंग शो। लेकिन सुनीता मैंने तो पिताजी से सिर्फ 4 घंटे की परमिशन ली है। ओके पिताजी को बहुत सेफ, मैं बात कर लूंगी ना। वैसे हमें आपको टिकट्स के लिए कितना पे करना है? रहने दीजिए, इट्स ऑल राइट। ऐसे हम टिकट्स नहीं ले सकते। अगर आप पे करना ही चाहते हैं तो पिक्चर शुरू होने में अभी काफी समय है। बाजू वाले रेस्टोरेंट में कोई कोल्ड ड्रिंक ही पिला दीजिए। What? You mean it? Yeah, I do. क्या कहती है? टिकट्स लौटा दे? No ways. चलते हैं ना। वैसे भी शक्ल सुनने से तो अच्छा ही लगता है। ठीक है, बैठिए। वो देख। मामा चलो ना पानी में खेलते। नहीं नहीं तुम जाओ, थोड़ी देर चलो ना। जाओ ना, चप्पलें यहाँ छोड़ दो। हाँ, चलो ना। नहीं नहीं आप आओगे? कहाँ, पानी में? हाँ। नहीं पहले पेट में थोड़ा पानी डाल लूँ फिर पानी में आऊंगा। लीजिए। नहीं नहीं लेटर। अच्छा ये रुकिए, एक बाद में। लीजिए मिसेस वशिष्ठ। मिसेस वशिष्ठ सॉरी। लीजिए। क्या सोच रही हैं आप? नहीं बस ऐसे ही। ऐसे ही? जी मैंने तो ऐसा कुछ कहा या कर नहीं दिया ना। नहीं 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 कैसी बात कर रहे हैं आप। दरअसल बहुत सालों से किसी ने मेरी पसंद ही नहीं पूछी। इनकी और बच्चियों की पसंद की सब्जियां मैं बनाती रही और मैं भूल सी गई थी कि मेरी भी कोई अपनी पसंद है। चलिए एक गेम खेलते हैं, देखते हैं आप जीतती हैं या हारती हैं। कैसी गेम? अपना हाथ यूं रखिए जी और अपनी एक उस उंगली से इन उंगलियों के बीच में ऐसे 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 लगातार करती जाएगी जी। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और बिना इस उंगली को रोके आपने जवाब देना। अच्छा ठीक है, कर सकती हैं आप? जी हाँ। चलिए। हाँ। आपका नाम? संध्या वशिष्ठ। आपके पति का नाम? ईश्वर वशिष्ठ। आपके बच्चे हैं? जी हैं दो। लड़का या लड़की? लड़कियां। उनके नाम? गीतांजलि और भावना। उनकी उम्र? गीतांजलि की 20 और भावना की 18। और आपकी उम्र? औरत से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती। चलिए 25 साल से ऊपर या 25 साल से नीचे? 25 से ऊपर। ऊपर? तो फिर ये आप 2 साल की बच्ची की तरह क्या खेल रही हैं? लीजिए।
आपकी बातों से तो पत्थर भी फूट कर हंस पड़े। आपकी इन हरकतों को देखकर तो पत्थर भी फूट कर हंस पड़े। कब तक बादल बन सपनों पर छाएंगी, टूट के एक दिन खुशियों के रंग लाएंगी। ओके बाय। नहीं नहीं आप ऐसे कैसे जाएंगे, अंदर चलिए कॉफी पीजिएगा। नहीं अभी नहीं, दरअसल वो नीलम रास्ता देख रही होगी। चलिए कॉफी उधार रही, लेकिन इस वक्त इजाजत चाहूंगा। ठीक है अगर आप कहते हैं तो। अब चलिए मैं जाती हूँ। नहीं आप चलिए, मैं जाता हूँ, पहले आप। पहले आप, पहले आप। नमस्ते, गुड नाइट। गुड नाइट असीम जी। जी थैंक यू। किस बात का जी? मैंने आज पहली बार माँ को इतना खुश देखा है, एंड इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। अरे आप तो मुझे एम्बैरेस कर रही हैं, इस हिसाब से तो मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सच बात तो यह है कि मैं खुद बहुत सालों बाद इतना खुल के हंसा हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।